भाभी फातिमा कहाँ है? वो सो रही थी, मैंने शाहीन से कहा है कि उसे उठा दे। असल में आज सुबह से उसकी तबीयत बहुत निढाल थी। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अल्लाह का शुक्र है पप्पू, ठीक है। आप कैसी हैं और बड़ी अम्मा कैसी हैं? शुक्र है, हम तुम्हें याद हैं। मुझे तो लग रहा था यहाँ आके तुम हम सबको भूल ही गई होगी। अरे सायमा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल कैसे सकती है तुम लोगों को? ये तो रोजाना तुम लोगों का जिक्र करती है और अम्मा जी की तो इतनी बातें मुझे सुनाती है कि कोई हद नहीं। अच्छा भाभी जान, मेरी तो यकीनन बुराइयां ही करती होगी। क्योंकि मैं इसके भले के लिए इस पर पाबंदियां जो लगाती हूँ, और पाबंदियां किसे अच्छी लगती हैं? नहीं पप्पू, मैं आपकी बुराई क्यों करूँगी? आप अगर मुझ पर पाबंदियां लगाती हैं तो उसमें मेरी भलाई ही होती है, ये बात मैं जानती हूँ। फातिमा, दिल से कह रही हो या ऐसे ही? अच्छा फातिमा, हम ये सोच रही थी कि अगर तुम घर आ जाओ तो हम बेबी की शॉपिंग कर लेंगे। सोच रहे क्या मतलब? फातिमा, हम तुम्हें लेने आए हैं बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस तुम हमारे साथ चल रही हो। सायमा, मैं तो सोच रही थी अगर फातिमा कुछ दिन और मेरे पास रुकी रहे तो अच्छा होगा। देखो मंसूर भी 2 दिन के लिए शहर से बाहर गए हैं, ये रुक जाएगी तो मेरा भी दिल लगा रहेगा। सिर्फ 2 दिन की तो बात है, फिर तुम आके इसे ले जाना। लेकिन भाभी मम्मी, मानी जान ठीक कह रही हैं, मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा इसे।